तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है फंक्शनल कीज़ के बारे में, कीबोर्ड में फंक्शनल कीज़ का नहीं पता है कौन सी फंक्शनल कीज़ कहाँ है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल कीज़ के बारे में। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कीबोर्ड के रोज़ के बारे में पता होना चाहिए, रोज़ के नेम के बारे में पता होना चाहिए, सारी नेम रोज़ के नेम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वाली जो रो है, ये इसको होम रो कहते हैं, इस वाली रो को अपर रो कहते हैं, इस वाली रो को बॉटम रो कहते हैं, इस वाली रो को नंबर रो कहते हैं, और ये टैब बटन है, ये कैप्स लॉक है, और ये शिफ्ट बटन है, और ये कंट्रोल बटन है। तो दोस्तों, ये एस्केप बटन है। तो ये जो रो है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल रो, इसको फंक्शनल कीज़ कहते हैं। ये वाली जो है F1 से लेके F12 तक जितनी भी कीज़ हैं, इन सब को हम फंक्शनल कीज़ कहते हैं। तो दोस्तों, फंक्शनल कीज़ में कौन कौन से कीज़ हैं? तो सबसे पहले F1, फिर F2, फिर F3, फिर F4, फिर F5, फिर F6, फिर F7, फिर F8, फिर F9, फिर F10, फिर F11, फिर F12। तो दोस्तों, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। फंक्शनल, ये वाली फंक्शनल कीज़ हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12।